अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो हमारा आज का ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो रहा है भाई सैंडविच से, जो कि मुझे बड़ा ही पसंद है। मुझे इस तरह का सैंडविच किसी भी चीज़ में डाल के खिला दो, मिसेज के अंदर कोई सी भी फीलिंग हो। आज मैंने आलू डाले थे जो मैंने रात में बनाए थे, और उसके साथ मैंने चिकन मैनीज डाल दिया था। और इतना मज़े का लग रहा था ना कि बस मैं उसको ले आई थी अपनी छोटी सी टेबल पे और फिर मैं उसको कर रही थी इंजॉय। फर्स्ट पीस मैं खा चुकी थी, सेकंड पीस खाते हुए मेरा अचानक से टर्न हुआ सैंडविच, तो पता चला पीछे से जला हुआ था। पर इतना ज़्यादा नहीं कि टेस्ट ख़राब लगेगा, लेकिन जला हुआ तो था ना। खैर, मैंने नाश्ता किया बहुत अच्छे से और फिर मैं बाहर आई थी। हमारे जो कदीम ज़माने के मैंने गमले निकाले थे, इसमें बहुत सारा पानी डाला था और मिट्टी बहुत बेहतर हो गई है। इस फ्लोर को इग्नोर कीजिएगा, इससे ज़्यादा ये साफ़ नहीं हो सकता था। खैर, अब हम आ जाते हैं अपने खाने पर। तो भाई, मैंने यहाँ पर तैयारी कर ली है, वेजिटेबल्स काट ली हैं, चिकन को मैरिनेट कर लिया है और यहाँ पर भी वेजिटेबल्स काट ली हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन शाशलिक विद फ्राइड राइस। तो सबसे पहले मैं फ्राइड राइस स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 2 अंडे, काली मिर्च और नमक के साथ उसको मैंने बहुत अच्छे से फेंटी लगा ली थी और उसको डाल दिया है मैंने पैन में। और अब साथ साथ मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि ये एक अंडा प्रॉपर ना बन जाए, जो स्क्रम्बल लैग होता है उस टाइप का हमें बनाना है ना। एज यू नो, आप लोग को पता होगा कि कैसे बनते फ्राइड राइस, पर मैं ज़रूर बताऊँगी कि कैसे बनते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ फिलहाल मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक ट्विस्ट है, वो आगे आपको पता चलेगा। खैर, मैंने यहाँ पे अंडे को बहुत अच्छी तरीके से तोड़ते रहे हुए बनाती जा रही हूँ। मैं जब सेटिस्फाई हो गई कि बहुत अच्छे से बन गया है, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया है अलग प्लेट में और उसको मैं रख दूंगी साइड में। और सेम पैन में मैं दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और उसके अंदर डाल दूंगी वेजेस। मुझे सिर्फ शिमला मिर्च और गाजर पसंद है तो मैंने यही डाला। अगर आपके पास कैबेज हो तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास कैबेज नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला है। बाकी मैं इसको हल्के से थोड़ा सा सौते कर लूंगी और उसके अंदर डालूंगी मसाले, जिसमें थी काले मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस। ये है यहाँ का ट्विस्ट, इसको आपने अच्छे से कर लेना है सौते और उसके अंदर डाल देना है एग। ये जो मैंने सॉस डाले ना, चिली सॉस, सोया सॉस, ये बहुत अच्छा और डिफरेंट फ्लेवर देता है खाने में, मींस राइस में। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मेरी ये सब चीज़ें रेडी हो गई और मैंने चावल बॉईल करके रख लिए हैं, तो इन चावलों को मैं डाल दूंगी इस एग में ताकि हमारा फ्राइड राइस हो जाएगा रेडी। फ्राइड राइस बनाना बहुत ईजी होता है, बहुत क्विक बन जाता है। फटाफट मैंने इस पर बहुत सारे राइस डाल दिए हैं, मैंने जितने बॉईल किए थे सारे नहीं डाले, अपने हिसाब से डाले जितने हमें खाने थे। बाकी बॉईल राइस आप रख सकते हो दूसरी चीज़ में खा लो और उसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लो, ताकि जितने भी जो वेजिटेबल्स हैं और जो सॉसेज हैं वो अच्छे से चावल में मिक्स हो जाएँ। और टाटा, फ्राइड राइस रेडी है। और अब आ जाती है बारी शाशलिक बनाने की। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में लिया ऑयल और डाल दिया है चिकन, जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा था। इसमें मैंने डाला था मैरिनेशन में टिक्का मसाला, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स इट। और उसको मैंने कर दिया था आधे घंटे के लिए मैरिनेट, और उसको अब मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी, मीन्स अच्छे तरीके से आपको चिकन पका लेनी है। और थोड़ी देर बाद ही चिकन अपना पानी छोड़ना स्टार्ट करेगी। जब हाफ पानी खत्म हो जाए तो उसके अंदर हम डाल देंगे वेजिटेबल्स, जिसमें है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, थोड़े क्यूब स्टाइल में काटने हैं। और इसको भी साथ साथ आप भून लीजिए, क्योंकि जो चिकन के मसालों का फ्लेवर है ना, वो सारे वेजिटेबल्स में भी आ जाता है। और जब सारा पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसको आपने कर लेना है डिश आउट, मींस इसको आप अलग प्लेट में निकाल लीजिए, इसको साइड में रख देना है। इसी टाइम पे ये देखने में इतने मज़े का लग रहा था। और फिर हमें करना है सेम पैन में दोबारा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और एक बड़ा टमाटर को हमने अच्छे से पीस लेना है। वैसे तो बॉयल करके स्किन उतार के पीसना होता है, लेकिन मैं ऐसे ही पीस देती हूँ। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी केचप, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च जो कि लाजमी है इस सब रेसिपी में, थोड़ी सी चीनी डालनी है और फिर इसको आपने अच्छे से भून लेना है। और हाँ, नमक भी डाल दीजिएगा, वो मैं दिखाना भूल गई थी। इसको आपने अच्छे से भूनना है। साथ में जो चिकन है ना, इस पर मेरी बहुत नीयत ख़राब होती रहती है, मैं इसको एक तो पीस ज़रूर खाती हूँ और बहुत मज़े का था। खैर, हम जब तक हमारा टमाटर का पेस्ट अच्छे से भून रहा है, हमने एक प्याली में ले लिया है पानी और उसके अंदर डाल दिया है कॉर्नफ्लावर, उसको हम अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। पानी मैंने अपने हिसाब से डाला था, अगर आपको अंदाज़ा हो तो डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, वरना 1.5 कप पानी बहुत है जितना मसाला मैंने बनाया था। और फिर जो हमने कॉर्नफ्लावर रेडी करके रखा है वो डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम थोड़ी सी देर इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक यहाँ पे मेरी जो चिकन रेडी की हुई थी उसमें से मैंने थोड़ी सी चिकन अलग कर लिए, ये मैंने जानबूझ के ज्यादा चिकन बनाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चिकन डालनी है अपने फ्राइड राइस में, इसका भी फ्लेवर बड़े मजे का आता है। ये जो मैं छोटी छोटी ट्रिक्स कर रही हूँ ना, ये आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा नॉर्मल रूटीन से। सब चिकन को मैंने फ्राइड राइस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। आप ये फ्राइड राइस है ना विदाउट शाशलिक भी बहुत मजे से खा सकते हो।
और हमारे शाश्लिक की ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है, तो उसके अंदर सारे हम चिकन और वेजिटेबल डाल देंगे और उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि चिकन का फ्लेवर भी उस ग्रेवी में मिक्स हो जाए। और फिर इसको कवर करके आप 1 से 2 मिनट के लिए बस रखना है ताकि जो कॉर्नफ्लावर और चिकन और ये सब चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर मेरे शाश्लिक का कलर रेड कम इसलिए है क्योंकि मैंने केचप कम यूज किया है। आप ज्यादा यूज करोगे तो डार्क कलर आएगा। और अब भाई बारी है इन लवाजमत की, जो कि आपके हर खाने बनाने के बाद ढेरों ढेर जमा हो जाते हैं, तो उसको मैं धनाधन स्पीड में धो रही हूँ। काश इतनी स्पीड में रेगुलर बेसिस पे भी धुल जाए। और इन बरकती बर्तनों को मैंने झटपट धो लिए थे और उसके बाद मैंने अपनी ढेरों ढेर बॉटल्स फिल कर दी थी, क्योंकि पानी अब फ्रिज में तो रखा नहीं जाएगा, तो इसलिए और ज्यादा ईजी कि फ्रिज मेरा थोड़ा खाली खाली रहता है। और अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो भैया प्लेट डेकोरेट करके मैं अपने हस्बैंड को पेश करने वाली हूँ। तो डेकोरेशन के लिए फ्राइड राइस और शाश्लिक को स्पेशली इसी तरह से सर्व करते हुए दिखा है मैंने रेस्टोरेंट्स में भी, कि हम एक बाउल में चावल को फिक्स करके एक पहाड़ सा बना देते हैं और साइड में उसके नहर की तरह आप सारा शाश्लिक डाल दीजिए, जो कि देखने में खूबसूरत लगता है। मेरा भी आई होप आप लोगों को खूबसूरत ही लग रहा होगा। जो गिर गया उसको मैंने साफ कर दिया था। ये लीजिए, ये प्लेट मैंने अपने हस्बैंड के लिए रेडी की थी। और मैंने अपने लिए नॉर्मली ऐसी जैसे दाल चावल खाते हैं वैसे ही मैंने अपने लिए शाश्लिक और फ्राइड राइस निकाले थे। हम एंजॉय कर रही थी और बहुत मजे के बने थे। खाने के बाद हम अपने टेरेस पर आ जाते हैं वॉक के लिए। तो आज भी थर्सडे है तो 9 बजे फायरवर्क होना था, पर आज फायरवर्क नहीं हो रहा और आज विंटरलैंड भी बंद है। आज सारे रात सीजन के एक्टिविटीज बंद हैं क्योंकि रात में 3 दिन के लिए एमडीएल बीस्ट म्यूजिक फेस्टिवल लगा है। तो भाई उस 3 दिन के लिए सारे फेस्टिवल्स बंद कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही म्यूजिक फेस्टिवल है, वहाँ पे जाओ और इन्जॉय करो। और रास्ते में हमें ये एक्सीडेंट मिला जिसकी वजह से बहुत लंबे ट्रैफिक से हम क्रॉस होकर आए। यहाँ पे ये स्कूटीज चलती हैं जिसपे ज्यादातर बंगालीज यूज करते हैं। और फिर हम पहुँच गए हैं भाई लुलु। एक्चुअली रिसेंटली मुझे बहुत जल्द ही पाकिस्तान जाना है, तो आज उसके लिए भी हमें शॉपिंग करनी थी और घर की ग्रॉसरी के लिए भी शॉपिंग करनी थी। आज कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा शॉपिंग है, तो भाई जल्दी से मैं लुलु आ गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे गेट पे उतार दिया था और आज बहुत रश है, वीकेंड पर मोस्टली रश होता ही है, तो इसलिए मैं पहले आ गई हूँ। और मैं यहाँ कर रही थी अपनी शॉपिंग, रश मैं आपको आधा आधा दिखाया। और यह आ गई थी मैं फेवरेट चीज़ लेने अपनी, आजकल मेरा बहुत प्यारा लव हुआ है पाइनएप्पल से। और सबसे मजे की बात, ये आपको फ्रेश काट के देते हैं ना, तो और सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ बिल्कुल हमें फ्रेश पाइनएप्पल मिला, और बहुत मजे का होता है। मॉल में मुझे रैंडम जगह पे ये फिशिंग रॉड मिली और जिसके अंदर आपको दिए हुए थे एक बॉक्स में ये नकली कीड़े मकौड़े जिससे आप मछली पकड़ सकते हो। तो मैंने अपने हस्बैंड से एक सवाल पूछा कि मछलियाँ इतनी बेवकूफ होती हैं कि नकली उसमें आ जाएंगी। खैर आपके पास जवाब हो तो ज़रूर बताइएगा। और मॉल में इस तरह से प्रमोशन में आपको फ्री खाने पीने की चीज़ें भी मिलती रहती है। मैं कावा बिल्कुल नहीं पीती, तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने कावा ले लिया था और हमने यहाँ से इनसे ये कावा ख़रीद भी लिया था, सिर्फ हमने फ्री में पिया नहीं था। ये देखिए हमें कावा इस तरह से देते हैं, छोटे से कप में आपको चीनी डाल के दी। और अब मैं आ गई थी अपनी कॉफ़ी लेने, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी क्योंकि अब सर्दियाँ तो आ चुकी हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पीने का ही मज़ा आता है। चाय मैं पीती नहीं हूँ इसलिए मुझे कॉफ़ी पसंद है। मैंने अपने लिए 4 कॉफ़ी ली हैं, कैपेचिनो, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ वगैरह रखी हुई थी। और फिर हम आगे चले, आगे से हमने यहाँ से बिरयानी ली थी क्योंकि मेरा हस्बैंड को बिरयानी बहुत पसंद है। और यहाँ पे अगर फिश बिरयानी चाहिए आपको तो पूरा मुंह मिलेगा फिश का। खैर यहाँ पे रश नहीं था तो मैंने यहाँ थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि यहाँ पे सारी इंपोर्टेड चीजें रखी हुई होती हैं। और फिर काउंटर पे आप रश देखें, इतना रश था कि बस मैंने भी ढूंढ के छोटी लाइन चुनी थी। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी बारी आ गई, हमारा सारा बिलिंग हो गया। तो और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए ले गए हैं उस तरफ, क्योंकि पार्किंग मुझे लगा कि ऊपर हुई है और यहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा है, तो उसके लिए स्क्रीन लगी हुई है और खूब रश हुआ हुआ है, लोग इन्जॉय कर रहे थे। गोल होने पर इतने ज़ोर से चीखे थे, ये उसी चीख को सुन के हम यहाँ तक आए थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमारी कार तो बेसमेंट पर पार्क हुई है, तो हम जहाँ फुटबॉल देख रहे थे उसके बिल्कुल अपोजिट साइड चलते हुए आए हैं। और फिर स्लाइड से होते हुए हम नीचे बेसमेंट पर जाएंगे और बेसमेंट में जाके मेरे हस्बैंड भूल चुके हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी हुई है। फिर बेसमेंट पे हम बहुत घूमे और फिर हमें अपनी गाड़ी मिली। और बिना सामान लिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मैं सामान के साथ बाहर खड़ी हूँ। टाटा, ऐसा नहीं था, वो थोड़ा आगे पार्क कर रहे थे क्योंकि वहाँ खंबा था। और उसके बाद सारा सामान हमने लोड किया और अब हमारे लोड होने की बारी आ गई और अब हम निकलेंगे यहाँ से। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा ही थक गई थी, पता नहीं क्यों, आज शायद थोड़ी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली है इसलिए। जब काम हो जाता है ना उसके बाद थकन फील होती है और फिर दिल चाहता है जल्दी से घर पहुँच जाए। और हम पहुँच गए जल्दी से घर। और ये मैडम साहब मुझे बाहर से ही, अभी तो बिल्डिंग के अब बहुत दूर है, वहीं से मुझे ये मिल गई थी और मेरे आगे आगे चल रही है। मैं जहाँ गाड़ी से उतरी थी ना, ये वहीं सामने ही बैठी हुई थी और वहीं से ये मेरे साथ साथ चलती हुई आ रही है। तो मैंने कैमरा थोड़ी देर से निकाला था, ये हर फ्लोर पर जाके ज़रा देखती है कौन से घर में जा रही है, उसको अभी तक घर की पहचान नहीं हुई। ये देखो बिल्कुल नहीं डरती, ये बिल्कुल पैरों के पास आके घुस रही होती है। और अब मुझे इससे भी डरने लग रहा होता कि हाँ ये नहीं छलांगे मारेगी, नहीं मारेगी।
इसलिए ये देखो यहाँ पे अभी घर देख रही है कि मैं किस घर में जाऊंगी। जैसे ही मैं ऊपर आई फौरन मेरे साथ साथ ऊपर। अब ये फर्स्ट स्टेप तक थोड़ा कंफ्यूज रहती है कि मुझे नीचे जाना है ऊपर। सेकंड स्टेप पर इसको कॉन्फिडेंस होता है कि फुल ऊपर जाना है, तो पहले ही ऊपर मैडम साहिबा पहुंच जाती है। और अब मैंने इसके लिए ट्रिक की है कि मैं इसको पूरा ऊपर तक लेकर आती हूँ, और फिर जो हमारे घर में एंटर होने का फर्स्ट डोर है यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ थोड़ा सा हिला हिला के, मार मार के। ये देखे इस तरह से। अब मेरे हाथ में सामान भी था और मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी और इस बिल्ली से भी बच रही थी। घर आ गई हूँ और साथ में बाहर कपड़े सुखाए थे वो भी लेती हुई आ गई हूँ। और फिर हम अपनी मूवी देख रहे थे, सारा सामान मैंने जगह पे रख दिया है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।